जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ BSF और CRPF दोनों में कितना डिफरेंस है, इन दोनों की ड्यूटीज़ में कितना डिफरेंस है, इनकी सैलरी में कितना डिफरेंस है और इनकी जो जॉब प्रोफाइल है उसमें कितना डिफरेंस है। क्योंकि बहुत सारे मैंने कमेंट देखे हैं कि कईयों की BSF फर्स्ट चॉइस है, कईयों की CRPF फर्स्ट चॉइस है, तो उनको एक दूसरे से ये ऐसा लग रहा है कि CRPF बेस्ड जॉब है या BSF बेस्ड जॉब है। क्योंकि जितने भी नए जो मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने वाले हैं या जिनका सिलेक्शन होने वाला है, उनको इन जॉब के बारे में हकीकत में से मतलब 25% ही पता होता है कि जॉब कैसी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जैसे CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की एक रिजर्व पुलिस फोर्स के रूप में CRPF काम करती है। ये कई लोगों को ऐसी गलतफहमियाँ हैं। BSF के बारे में भी ऐसी गलतफहमियाँ हैं कि सिर्फ बॉर्डर पे ही ये सिक्योरिटी देती है, इसके अलावा और कहीं ड्यूटी BSF की नहीं होती। तो इस प्रकार से बहुत सारे यानी 90% लोगों को जब फॉर्म फिलअप करते हैं या फॉर्म फिलअप करने के बाद में एग्ज़ाम देने के बाद तक यानी 50% ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं होता कि असलियत में BSF या CRPF की ड्यूटीज है क्या। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि CRPF की जो ड्यूटी है वो केवल नक्सलाइट एरिया या कश्मीर जैसे मतलब ख़तरनाक एरिया में ही है और BSF की जो ड्यूटी है वो केवल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी कई ऐसी असलियतें जो आपको नहीं पता है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी, उस पर मैथ और रीजनिंग की वीडियो कंटिन्यू डाल रहा हूँ। दोस्तों जितने भी इच्छुक है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है, तो उस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी तैयारी आगे की कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले अगर लें हम BSF को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आपको पता है कि BSF की स्थापना 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध होने के बाद में 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था कि देश में कोई भी स्टेट के लिए स्पेशली बॉर्डर फोर्स नहीं थी, मतलब वहाँ की जो स्टेट पुलिस थी वही अपने पास में जो बॉर्डर लगता था, जैसे भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगता है राजस्थान से, तो ये जो बॉर्डर एरिया है इसमें जैसे राजस्थान से लगता है वो राजस्थान पुलिस करेगी, गुजरात से लगता है वो गुजरात पुलिस करेगी, मतलब कोई सेंटर की कोई भी फोर्स नहीं थी उससे पहले। जिस स्टेट का जिस देश से बॉर्डर लगा है उस स्टेट की पुलिस फोर्स यानी आर्मड पुलिस फोर्स थी वो उस बॉर्डर की निगरानी करी थी। लेकिन 1965 के युद्ध में ये देश में एक बहुत बड़ी कमी पाएगी, जिसके बाद में BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में इसकी स्थापना की गई 1 दिसंबर 1965 को। उसके बाद से BSF आप ये मान के चलिए 1965 से, जबकि CRPF की स्थापना 1939 में नीमच में की गई थी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के रूप में, और इनकी 1965 में स्थापना की गई थी। फिर भी आज देश के सबसे बड़े रक्षा मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में सबसे बड़ी, केवल देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी फोर्स है BSF। तो आपको लगता है कि BSF की जो ड्यूटीज़ है केवल वो बॉर्डर पे, नहीं ऐसा नहीं है। आपने शायद देखा नहीं होगा बाकी BSF की ड्यूटीज़ इलेक्शन ड्यूटी यानी शांति काल के दौरान BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में यानी सीमा की निगरानी का काम करते हैं। साथ ही सीमा से जुड़े क्षेत्रों में यानी जो भारत पाकिस्तान के साथ में जो बॉर्डर स्टेट जो लगते हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, उन स्टेट में पुलिस के रूप में भी काम करती है, यानी उनमें शांति बनाए रखने की, उनमें बड़ी बड़ी तस्करी रोकने के लिए या जो स्मगलिंग होती है ड्रग्स इस प्रकार के इनको रोकने के लिए भी, और आतंकवाद के खिलाफ तो खुद ही होती है दोस्तों। तो ये चीज़ें शायद आपको पता नहीं है कि केवल बॉर्डर पे आपको ऐसा लगता है कि बस 12 घंटे जाना बॉर्डर पे ड्यूटी करना फिर सो जाना फिर बॉर्डर पे ड्यूटी करना, ऐसा नहीं है दोस्तों। हर एक चीज़ का एक शेड्यूल है, आपकी एक ही पोस्ट पे लगातार ड्यूटियाँ नहीं होती है, वैसे प्रकार की ड्यूटी भी होती है लेकिन वो पूरी जीवन उसी प्रकार की ड्यूटीज़ नहीं होती है। आपको कई बार सिटी में रहने का मौका भी मिलता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में रूप में, उनके ग्रुप सेंटर भी, ट्रेनिंग सेंटर भी है जैसे बड़ी बड़ी GC है या उनके CGO कॉम्प्लेक्स दिल्ली में हेडक्वार्टर, तो आपको इन सभी जगह पर ड्यूटी करने का मौका ज़रूर मिलेगा दोस्तों। आप ये मान के नहीं चल सकते कि आपको सिर्फ एक बॉर्डर पर ही ड्यूटी करने का मौका मिलेगा, इस प्रकार से का कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो शांतिकाल के दौरान BSF बॉर्डर की निगरानी करती है, साथ में बॉर्डर से सटे जो भी इलाके होते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट या पास की जो भी जगह होती है जहाँ पर छोटे छोटे गांव आपने पंजाब में इनमें देखे होंगे कि ज़्यादा बॉर्डर का फैसला नहीं है, इधर पंजाब का किसान है उधर पाकिस्तान पंजाब का किसान आसपास में खेतियाँ करते, तो यहाँ पर स्मगलिंग भी बहुत होती है, तो इनमें भी BSF की कार्रवाई रहती है। BSF भी यहाँ पर काम करती है स्मगलिंग को बंद करने या आतंकवाद गति विरोधी। इसके साथ साथ BSF और CRPF की कुछ कॉमन ड्यूटी हैं, वो CRPF भी करती है और BSF भी करती है। तो पहले मैं बता दूं, जैसे स्पेशल ड्यूटी अगर बात करें NSG के रूप में दोनों ही फोर्स के कैंडिडेट जाते हैं। आपको पता ही है NSG कैसे बनी है, NSG में 53% आर्मी और 47% पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं, तो इन 47% में जैसे CRPF BSF CISF ITBP ये सभी फोर्स जाती है, उसी में BSF और CRPF दोनों सेम ड्यूटीज़ करती है। इसके अलावा SPG
एसपीजी में भी ये सेम ही ड्यूटीज़ करते हैं, सीआरपीएफ और बीएसएफ। उसके अलावा इलेक्शन ड्यूटी सीआरपीएफ और बीएसएफ की सेम ही होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसके अलावा एनडीआरएफ के रूप में, नेशनल डिजास्टर फोर्स के रूप में भी ये दोनों सेम ही ड्यूटीज़ करते हैं दोस्तों, यहाँ तक इनमें कोई फ़र्क नहीं होता। अब जो इनकी मेन जो ड्यूटीज़ होती है, अब पहले हम बात कर लेते हैं सीआरपीएफ की, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो इनमें मेन डिफरेंस है वो क्या है। सीआरपीएफ की जो ड्यूटीज़ होती है, सीआरपीएफ की स्थापना मैंने बता दी 1939 में हुई थी और ये देश की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है, देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है सीआरपीएफ। कई लोगों को ऐसा लगता है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की है, तो रिजर्व के रूप में जैसे स्टेट में रहती है ना रिजर्व पुलिस, यानी एक जगह बैठी रहती है, जरूरत पड़ने पर जाती है, ऐसा नहीं है। आज के समय में देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई ड्यूटी कर रही है तो वो सीआरपीएफ ही है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, क्योंकि इसके पास में सभी प्रकार की ड्यूटीज़ है। मैंने इसकी ड्यूटीज़ का वीडियो बना रखा है कि क्या क्या ड्यूटीज़ करती है, टॉप 10 जो ड्यूटियाँ हैं जो सिर्फ सीआरपीएफ करती है, उसका मैंने स्पेशली एक वीडियो बना रखा, आप जाके देख सकते हो। तो सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आप नाम पे मत जाइएगी, रिजर्व में रहती है, रिजर्व में नहीं रहती है, हमेशा बिजी रहती है, ठीक है। तो जो मेन इसकी ड्यूटी होती है वो देश में आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ का है, कि देश में किसी भी प्रकार की चाहे हिंसा हो, चाहे उपद्रव है या मिलिटेंसी हो, इसके विरोधी जो गतिविधियाँ होती हैं इनसे, या भीड़तंत्र है या दंगा फसाद है या वामपंथी जो विचारधारा है, इनका मतलब सामना करने का जो काम है वो सीआरपीएफ का है। इसमें जैसे नक्सलाइट एरिया छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या बंगाल, इधर सीआरपीएफ की ड्यूटी, साथ में कश्मीर में। तो दोस्तों कश्मीर आप बॉर्डर के रूप में ना लेके देश का हिस्सा है, उसी के रूप में वहाँ पर ड्यूटीज़ करती है सीआरपीएफ, इसीलिए सीआरपीएफ की आंतरिक सुरक्षा का काम करती है। साथ में इलेक्शन ड्यूटीज़ हो गई या कहीं धरना प्रदर्शन चल रहा है वहाँ पर आपने सीआरपीएफ की ड्यूटी देखी होगी। तो जो सीआरपीएफ की ड्यूटी होती है वो मेन बेसिकली होती है कि देश के अंदर अगर कोई आंतरिक खतरा है तो उससे निपटने का काम होता है। बीएसएफ का जो मेन काम है वो होता है बॉर्डर के ऊपर, लेकिन अब सीआरपीएफ केवल आंतरिक सुरक्षा में, आपको कईयों को ये गलतफहमी है कि सीआरपीएफ की जो ड्यूटी है वो केवल नक्सलाइट एरिया और कश्मीर में ही होती है, नहीं ऐसा नहीं है। सीआरपीएफ देश के सभी कोनों में ड्यूटीज़ करती है, आपको पीसफुल एरिया में ड्यूटी करना मिल जाता है, हार्ड एरिया में भी ड्यूटी करने का मौका मिलता है, तो सभी प्रकार से ड्यूटी करती है। लेकिन कई लोगों को ऐसा बार बार मेरे से काफ़ी क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर सीआरपीएफ में फैमिली रखने की परमिशन होती है नहीं होती है, बीएसएफ में फैमिली रखने की परमिशन, मैंने बोला होती है तो कुछ उन्होंने बोला कि कहाँ होती है फिर वो, तो अगर बॉर्डर पर ड्यूटी करा तो फैमिली कहाँ रखेगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों कि हमेशा ही बॉर्डर पर ड्यूटी नहीं करनी। आप अगर बीएसएफ में सेलेक्ट हो गए तो परमानेंट आपको बॉर्डर पर फिक्स कर दिया, बस खड़े रहो इधर, ऐसा नहीं है, ड्यूटी चेंज होती रहती है, कुछ दिन आपको उधर करनी है, हर 3 साल बाद में बटालियन चेंज होती रहती है, तो आपका टर्न कभी हार्ड कभी पीस, कभी हार्ड कभी पीस में चलता रहता है। इसी प्रकार सीआरपीएफ की ड्यूटीज़ है कि कभी कश्मीर में अगर आप ड्यूटी कर रहे हो तो कभी पीसफुल एरिया जैसे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, ऐसी जगहों पे भी आपकी जो ग्रुप सेंटर इनके बने हैं या बटालियन बनी है या आरएएफ के रूप में, रैपिड एक्शन फोर्स के रूप में जो सीआरपीएफ की बटालियन है उनमें काम करने का आपको मिल सकता है, कोबरा बटालियन है उनमें काम करने का मौका मिल सकता है, और इसी प्रकार से बीएसएफ का। अब इनमें जो मेन डिफरेंट है बीएसएफ और सीआरपीएफ में वो क्या है, इनके रिस्क पेमेंट अगर बात करें सैलरी की, तो सैलरी दोनों की सेम है, दोनों ही गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, दोनों को जो कैंटीन सुविधाएं वो सेम है, सीपीसी कैंटीन सुविधाएं दोनों को सेम है, दोनों की जो पेंशन स्कीम है एनपीएस वो भी सेम है, एचआरए के रूल भी सेम है, सभी प्रकार के जो रूल है इनके वो बिल्कुल सेम है, उसमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। तो आप सैलरी को लेकर बिल्कुल चिंतित ना होइए कि इनमें सैलरी कम ज़्यादा ऐसा कुछ है, पोस्टिंग प्रमोशन सभी कुछ इनमें सेम ही है, प्रमोशन का जो स्कीम है दोनों की सेम है, डिपार्टमेंटली जो एग्ज़ाम होते हैं वो भी दोनों में सेम है। हाँ पोस्टों का फ़र्क हो सकता है कि सीआरपीएफ बड़ी फोर्स है इसमें पोस्ट ज़्यादा आती है उसमें कम आती है, लेकिन बाकी इनमें जो ये चीज़ें हैं वो सेम ही है, इनमें कोई भी फ़र्क नहीं है। अब जो इनमें फ़र्क है वो क्या, रिस्क अलाउंस का फ़र्क होता है, जैसे सीआरपीएफ में किसी जगह पर रिस्क अलाउंस ज़्यादा है, वहाँ पर बीएसएफ का कितना होता है इसमें फ़र्क हो सकता है, जैसे जम्मू में सीआरपीएफ का रिस्क अलाउंस 9,700 वहाँ पर बीएसएफ का रिस्क अलाउंस 20,400, अब वहाँ पर 20,400 और सीआरपीएफ का 9,700 ऐसा क्यों, क्योंकि सीआरपीएफ की जो वहाँ पर ड्यूटी है वो अंदर यानी आंतरिक सुरक्षा करती है, बॉर्डर के रूप में तो करती नहीं है, तो बॉर्डर वहाँ का संवेदनशील है, मतलब थोड़ा खतरनाक बॉर्डर लगता है जम्मू का, तो बॉर्डर पर ड्यूटी कौन करता है, बीएसएफ, तो उनके लिए तो खतरनाक जगह होगी इसलिए उनको हाई रिस्क अलाउंस मिलता है 20,400 के आसपास, जबकि सीआरपीएफ वहाँ देश के अंदर यानी आंतरिक जम्मू के अंदर जो गतिविधियाँ होती है उनसे निपटने के लिए ड्यूटी करती है, आतंकवाद से इनसे निपटने के लिए, तो वो थोड़ा सा कम संवेदनशील है, तो वहाँ पर सीआरपीएफ का जो सेकेंड रिस्क अलाउंस है वो मिलता है। तो ये डिफरेंस होते हैं बड़े। कश्मीर में अगर आप जाके देखते हो तो सीआरपीएफ का भी रिस्क अलाउंस और
बीएसएफ का रिस्क अलाउंस दोनों का ही बराबर है। अब कईयों को ये पता नहीं होगा कि बीएसएफ कश्मीर में भी ड्यूटी करती है। हाँ, बीएसएफ भी करती है ड्यूटी। सीआरपीएफ का नाम इसलिए आता है बार बार क्योंकि सीआरपीएफ बड़ी फोर्स है और सीआरपीएफ आर्मी के साथ में अटैच रहकर वहाँ पर ड्यूटी करती है। आर्मी की जो आरआर राइफल राष्ट्रीय राइफल्स है उसके साथ में मिलकर आतंकवादियों के खिलाफ ड्यूटीज करती है, इसलिए बार बार नाम आता है सीआरपीएफ का। लेकिन बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी सभी फोर्स है कश्मीर में। ऐसी कोई भी फोर्स नहीं है जो एसएसबी, सभी फोर्स कश्मीर में है। ऐसा नहीं है कि केवल सीआरपीएफ या आर्मी कश्मीर में, सभी फोर्स हैं वहाँ की, सभी की ड्यूटीज है। तो इनके जो रिस्क अलाउंस का जो डिफरेंस है वो मेन डिफरेंस होता है। इसके अलावा इनके सर्विस चार्ट, इनके सर्विस रिटायरमेंट सभी कुछ सेम है, कोई भी फ़र्क नहीं है इनमें। तो अगर आपकी चाहे चॉइस फर्स्ट बीएसएफ हो चाहे सीआरपीएफ हो, ड्यूटीज़ का फ़र्क पड़ेगा। ड्यूटीज़ दोनों की अलग अलग होगी लेकिन बाकी इनमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। हाँ, ड्यूटी यह है कि सीआरपीएफ, मैंने बोला, देश की आंतरिक सुरक्षा का काम करती है, जैसे नक्सलाइट या आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करती है, और बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में देश के जो बाहरी दुश्मन है या बाहरी दुश्मन जिनका देश में जैसे स्मगलिंग होती है या कोई भी आतंकवादी घुसते हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो बीएसएफ करते हैं दोस्तों। तो ये बड़े डिफरेंस है और ये समानताएँ बीएसएफ और सीआरपीएफ में दोस्तों। जय हिंद।